हाँ, आज हम देखेंगे एसटीडी कॉज्ड बाय वायरसेस। पहली एग्जांपल है इसमें एड्स। आपको मालूम ही है एड्स इज कॉज्ड बाय HIV। इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस, HIV। HIV से एड्स होता है। इस वायरस से जो सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं, फीवर होता है, लेथर्जी होती है, वेट लॉस होता है एड्स में, वेट लॉस, नौशिया, हेडेक, रैशेस एटसेट्रा। HIV वायरस जो होता है, HIV वायरस ये अटैक करता है, अटैक्स ह्यूमन बॉडी के हेल्पर, अटैक्स हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। हमारी बॉडी के अंदर एक अहम सेल जो होती है एंटीबॉडी की, उसका नाम है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, उसी पे ये अटैक करता है। दिस पेशेंट गेट्स द पेशेंट The patient have lack of strength. That means it affects on immune system of the body. Lack of strength against the infection. हाँ, इस डिजीज के जो इस डिजीज को ट्रांसमिशन जो इस डिजीज का होता है, दैट इज सेक्चुअल कंट्रैक्ट एंड आल्सो ब्लड कंटैक्ट, ब्लड कंटैक्ट। अगर इन्फेक्टेड नीडल या इस्तेमाल करेंगे या कोई इक्विपमेंट, उससे भी ट्रांसफर हो जाता है थ्रू द ब्लड। तो दैट मीन्स एड्स गेट्स ट्रांसमिटेड आइदर थ्रू द सेक्चुअल कंटैक्ट एंड ऑल्सो थ्रू द ब्लड ट्रांसमिशन। इस डिजीज को हम डायग्नोसिस करते हैं टेस्ट से, उस टेस्ट का नाम है इलीजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एसे एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग से, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट या वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी इसको कर, PCR से भी होता है। PCR इज ऑल्सो यूज टू डायग्नोज दिस एड्स डिजीज। हाँ, इंक्यूबेशन पीरियड जो इसका होता है, इंक्यूबेशन पीरियड वो 6 मंथ से लेकर 10 ईयर्स तक होता है। तब तक ये वायरस बॉडी के अंदर हाइड रह सकता है। हाँ, अब ट्रीटमेंट जो है इसके लिए, तो ट्रीटमेंट नहीं है, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए कुछ ड्रग्स होते हैं, जैसे कि ज़िडोवुडिन, एज़िथ्रोमाइडिन माइडिन एंड डाइडेनोसाइन। These are some drugs which are used to enhance the immune system of the body. इसके बाद दूसरी डिजीज है, that's known as, which is caused by the virus, hepatitis. It is caused by virus known as hepatitis B virus. अक्सर हिपेटाइटिस ज़्यादा होती है हिपेटाइटिस बी वायरस से। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं जब हिपेटाइटिस हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस वायरस, तो
body feels fatigue, jaundice, low grade fever, rash होता है, rashes, abdominal pain. इसमें कभी कभार सिरोसिस भी होती है, लिवर डिजेनरेशन, सिरोसिस दैट मीन्स लिवर कैंसर ऑल्सो ऑकर्स. इट्स अ डेंजरस डिजीज. हाँ, इसका ट्रांसमिशन जो होता है सेक्चुअल कंटैक्ट से भी एंड ब्लड ट्रांसमिशन से भी. इंक्यूबेशन पीरियड जो इसका होता है 30 to 80 days. 80 days. डायग्नोसिस इसकी जो होती है ये एक टेस्ट से होती है, दैट टेस्ट इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट. इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट. विच इज कॉल्ड, इसका दूसरा नाम भी है, विच इज कॉल्ड हिपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन. एलिजा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, एलिजा टेस्ट से भी इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं. इसमें हम ट्रीटमेंट देते हैं अल्फा इंटरफेरॉन, या कुछ वैक्सीन्स, वैक्सीन भी इसको इस्तेमाल करते हैं टू प्रिवेंट दिस डिजीज. हाँ, और है तीसरी वायरल डिजीज है दैट इज नोन एज जेनिटल हर्पस. ये जेनिटल हर्पस वायरस से होती है, उस वायरस का नाम है हर्पस, सिंप्लेक्स वायरस कहते हैं इसको. इट इज कॉज्ड बाय हर्पस सिंप्लेक्स वायरस. इसमें क्या होता है, पेनफुल अल्सर्स होते हैं. सिम्टम्स जो इसकी होती है, इसमें सिम्टम्स होते हैं पेनफुल इरिथ्रोमाइटिस, अल्सर्स. इसमें होता है वेजिनल एंड यूरिथ्रल डिस्चार्जेस. स्वेलिंग होती है ऑफ लिम्फ नोड्स एटसेट्रा. ये डिजीज भी होती है, ये भी ट्रांसमिट हो जाती है सेक्सुअल कंटैक्ट से. इसकी डिटेक्शन जो होती है वो है PCR से या न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन से, इसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट हम देते हैं एसाइलोविर, दूसरा ड्रग होता है वेलासाइलोविर. एसाइलोविर एंड वेलासाइलोविर, दीज आर द ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज. एक और है दैट इज नोन एज जेनिटल वॉट्स.
जेनेटल वाटर जो होती है इट इज कॉज्ड बाय वायरस, वायरस उसको उस वायरस का नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। सिम्टम्स है बिनाइन हार्ड ग्रोथ्स बनते हैं, सिस्टर्स बनते हैं लेकिन वो बिनाइन होते हैं, बिनाइन नॉन कैंसरस हार्ड ग्रोथ्स, बिनाइन हार्ड ग्रोथ्स, बिनाइन मीन्स नॉन कैंसरस, नॉन कैंसरस हार्ड आउटर ग्रोथ्स बनते हैं जिनको हम वॉट्स कहते हैं ओवर द स्किन एंड म्यूकोसल सरफेस, सरफेस ऑफ जेनिटेलिया या पेरिएनल एरिया, एनस के नजदीक उसको पेरिएनल एरिया कहते हैं। इसके लिए भी डायग्नोसिस जो है एंटीबॉडी डिटेक्शन, इसमें हम एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं या कल्चर करते हैं या डीएनए हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। ये डिजीज भी ट्रांसमिट होती है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। हाँ, इसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है सर्जरी की जाती है, दैट्स कॉल्ड क्रायो सर्जरी, क्रायो सर्जरी होती है इसको, जिससे रिमूवल ऑफ वाटर्स होता है। रिमूवल ऑफ ये जो हार्ड ग्रोथ होती है इसको हम निकालते हैं क्रायो सर्जरी से, इसको बोलते हैं क्रायो सर्जरी इज यूज इन रिमूवल ऑफ वाटर्स। इसमें पोडोफाइलम प्रेपरेशन इस्तेमाल होती है, पोडोफाइलम प्लांट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, दैट इज नोन एज पोडोफाइलम प्रेपरेशन। या पोडोफिलॉक्स इस्तेमाल होता है, फ्लॉक्स इज यूज्ड।